ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम डिस्कस करेंगे अभी श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 10 पर आलोचना करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो श्लोक किस प्रकार है हम लोग तो रीड किए। माता जी कुछ बोलना था बाकी ठीक है। तो द्वारकावासी हम लोग सुने ओवरव्यू में, माता जी प्रभु जी गण बोले किस प्रकार श्री कृष्ण के विरह के कारण द्वारकावासी इतना दुखी अनुभव करते अपने आप को। हम लोग कल चर्चा किए थे, उदाहरण भी दिए थे कि जब रात का समय था, रात के समय कृष्णा गोपियों के साथ रहते थे तो ग्वाल वालों को दुख होता था। पूरा 12 घंटा कृष्ण के साथ वो लोग नहीं रह पाते थे क्योंकि रात का टाइम गोपियों के साथ, और दिन के समय ग्वाल वालों के साथ जब भगवान श्री कृष्ण समय देते थे तो गोपियों को विरह सताती थी। लेकिन उदाहरण दे कि गिरि गोवर्धन, कोरोना वायरस, इंद्र का प्रकोप, एक ऐसा समय था कि सभी भक्तगण को एक साथ भगवान देखे। तो आज का हमारा श्लोक में यहाँ पर बताया गया है, द्वारकावासीगण बोल रहे कि हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती, तो भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। ठीक है, भगवान की जो एक मुस्कान क्या है, क्या बोल रहे हैं, सारे कष्टों को दूर कर देती है। तो ये सब तो हम लोग को अपने जीवन में भी अनुभव हो चुका है, जब भगवान की कृपा होती है हमारे जीवन में तो हमारे जितने सारे दुख हैं सब दूर हो जाते हैं। सभी ने अनुभव किया है, इसके लिए कोई लक्ष्य प्रवचन देने का जरूरत नहीं है। सभी अपने अपने जीवन में, पार्थ प्रभु कितना प्रसन्न है जब हरि नाम की माला उनके घर में पहुंचा, इससे क्या प्रवचन, ऐसा लगा कि भगवान मुस्कुरा दिया आपके प्रति, है ना। इशारा नहीं, बोलना है मुख में। हाँ हाँ बहुत बहुत हम तो बोल रहे थे। कितना माला जप किया आज? आज आज 2 माला बाकी है। 14 माला की है? हाँ हाँ 14 माला हो गया। वाह, तब तो आपको जप माला देना, 2 माला बाकी है, तब तो आपको जप माला देना सार्थक हो गया। हाँ 14 माला हो गया। अच्छा, 2 माला बाकी। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भक्तगण जब हरि नाम को पाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपनी उपस्थिति में पाते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है, प्रफुल्लित मन रहता है। जिस दिन ममता माता जी के घर में आए हरि नाम, तो माता जी भी बहुत प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हो कि साक्षात भगवान आए। जिस दिन हमारे राममोहन प्रभु जी श्रीमद् भागवतम को अपने घर में ले आए, ऐसा लगा कि साक्षात भगवान को ले आए। ठीक है, और इस प्रकार अभी हम देख रहे थे विभा माता जी का व्हाट्सअप डीपी में कि माता जी पुनः अपने लड्डू गोपाल को ले आए अपने घर में, तो माता जी कितना प्रसन्न है, जिसे खोया हुआ बच्चा उनको मिल गया। ठीक है, तो ये जो विरह, ये जो आनंद है, हरे कृष्ण, प्रभु जी आए नहीं है अभी, अभी नहीं आए हैं गोपाल जी, तो वो फोटो कैसे खींचे? पहले क्या है, वो याद आते हैं तो हम लोग उनका फोटो लगाए हैं, इतना दिन से देख देख के थोड़ा सा पहले का फोटो है। ठीक है, तो देखिए जब कोई भी व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में रहता है, चाहे भागवतम हो, हरिनाम हो या लड्डू गोपाल हो, तो उनके साथ बहुत ही आनंदित रहते हैं।
जैसे गीता माता जी बोल रहे थे आजकल मेरा गोपाल जो है ना वो मोटा हो जाएंगे 1 साल के अंदर खा खा के, है ना। तो इतना आज पुलाव क्या क्या कढ़ी विभिन्न चीज बना रहे हैं, इतना कुछ खाएंगे तो मोटा नहीं होंगे पूरा एकदम, प्राण मोहन प्रभु जी को भी जीत लेंगे। ठीक है, तो ये भगवान के प्रति प्रेम है। अभी हमारे न्याय माता जी के मन में, अरे प्रभु जी पता नहीं मेरे जीवन में कब लड्डू गोपाल आएंगे, मैं भी उस तरह सेवा करूंगी। नंद किशोरी माता जी करते हैं, गीता माता जी करते हैं, विभा माता जी करते हैं, हमारी लक्ष्मी देवी करते हैं। ठीक है, तो कब वो दिन आएगा कि मेरे जीवन में भी, अभी बेटा गोपाल को लेके ही परेशान है तो कृष्ण गोपाल कब आएंगे, कृष्ण गोपाल को भी लाना होगा जीवन में। बेटा गोपाल के पीछे ही अगर सब समय समय देंगे तो हो गया जीवन। खैर, एक लड्डू गोपाल का काम हो रहा है क्योंकि श्रीमद् भागवतम तो साक्षात कृष्ण है ही, यहाँ तो 2 घंटा दे ही रहे हैं, क्लास पॉइंट चल रहा है, सुकृति अर्जन हो रहा है, आ जाएगा लड्डू गोपाल बहुत अति शीघ्र। जब आप मायापुर आएंगे ना तब आपको खरीद देंगे, खरीद नहीं एक्चुअली लड्डू गोपाल को कोई व्यक्ति गिफ्ट करते हैं, पहले ही आप मेरे अकाउंट में कुछ पैसा डाल देना और मैं आपको दान कर दूंगा, लीजिए आपके लिए लड्डू गोपाल। ठीक है, जब मायापुर आएंगे तब। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि द्वारका के वासी यहाँ पर कि जिसकी एक मुस्कान हमारे सारे कष्ट को दूर कर देते हैं, तो भला हम इसे भगवान के बिना कैसे रह पाएंगे। और भगवान तो सब समय बाहर रहते हैं, बाहर क्यों रहते हैं, भगवान के बाहर रहने का मतलब क्या है, क्योंकि भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, वृंदावन में है, बद्रीनाथ धाम में है, हरिद्वार में है, द्वारका धाम में है, तिरुपति बालाजी में है, श्री धाम मायापुर में है, हर जगह है। तो अगर भगवान बोले नहीं मैं बद्रीनाथ में ही रहूंगा तो क्या होगा हमारा हाल, कुछ उन्नति नहीं होगा। इसीलिए भगवान को क्या करना पड़ता है, हर भक्त के घर में जाना पड़ता है ताकि जो मुझे प्रेम कर रहे हैं उसके साथ मुझे रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान करना है। ठीक है, तो द्वारकावासी अपने मन की व्यथा को बता रहे कि प्रभु जी ऐसा है कि अगर आप नहीं रहते ना तो हम लोग सारा दिन सारा रात सारा महीना सारा वर्ष आपके बिरह में बिताते हैं कि कब हस्तिनापुर से लौट कर आएंगे, कब हस्तिनापुर से लौट। तो ये जो फीलिंग है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, ये फीलिंग जो है ना, ये भाव अगर हमारे जीवन में आ गया तो हम लोग भक्त बन गए, और ये भाव अगर नहीं आए तो हम लोग अभी भी पत्थर दिल है। ये पत्थर दिल को हम लोग तभी दूर कर सकते हैं जब हम लोग इस प्रकार हरि कथा सब समय श्रवण करते रहेंगे। हरि कथा श्रवण करने से उनके प्रति प्रेम होगा। जैसे एक एग्जांपल, और भी बहुत सारे भक्तगण जूम क्लास देते हैं, तो अगर मैं उनका लिंक भेज दूं उनका फोटो के साथ, आप लोग तुरंत ज्वाइन होंगे, इमीडिएटली तुरंत ज्वाइन होंगे, यस या नो, सही आंसर देना। नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि परिचय नहीं है, कौन है पता नहीं। तो परिचय जो है ना इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप संबंध ज्ञान। तो उसी प्रकार हम लोग कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम, उनके विषय में सुनना हम लोग को तभी अच्छा लगेगा जब हम लोग उनके साथ हमारा कुछ पर्सनल रिलेशनशिप रहेगा, वास्तविक संबंध रहेगा। हम नंद किशोरी माता जी से जब बात करते हैं ना एवरीडे, उसमें माता जी जब बोलते हैं ना कि अभी जस्ट दूध पिए गोपाल, अभी मैं माला जप कर रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि सच में गोपाल उनका कोई एक, जैसे हमारे नेहा माता जी का लड़का है लड्डू, जैसे हमारे पार्थो प्रभु जी का लड़का है गौरव, तो मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं नंद किशोर माता जी का स्वयं का लड़का। बोले कि अभी दूध पिए हैं, अभी वो थोड़ा सो रहे हैं, मैं अभी जप कर रही हूँ घूम घूम के, उसके बाद उनके लिए प्रसाद मतलब भोग बनाऊंगा। तो जरा सोचिए
इसके इससे पता चलता है कि माता जी के हृदय में कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति, अपने गोपाल के प्रति, है ना। तो यही इसी को कहा जाता है, ये जो फीलिंग है ना, भाव जो है ना, ये भाव ही हम लोग को प्रेम के स्तर में ले जाएंगे। भाव भक्ति, उसके बाद प्रेम भक्ति, तीन प्रकार के भक्ति होते हैं। भक्ति रसा में सिंधु में रूप गोस्वामी बोलते हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। लिख के रखना है, पॉइंट आउट करना है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो गोलोक वृंदावन में, द्वारका में जितने सारे भक्तगण जो है वो क्या है, प्रेम भक्ति को प्राप्त किए। और इस संसार के जो शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं वे भाव भक्ति के स्तर में, और जो अभी नए नए भक्ति जीवन में पदार्पण किए हैं वे साधन भक्ति के स्तर में। अभी विभा माता जी बोलेंगे, प्रभु जी आपके जूम क्लास में तो 1 साल हुआ हमारा जुड़ के, तो मैं कौन से स्तर में हूं, पूछ सकते हैं, मैं क्या साधन भक्ति के स्तर में हूं? तो मैं बोलूंगा आप तो भाव भक्ति के स्तर में, क्योंकि मेरे जुड़ने से पहले से ही आप भक्ति करते हैं। गीता माता जी भी मेरे जुड़ने से पहले से ही भक्ति करते, लेकिन पार्थो प्रभु के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक दृष्टिकोण से देखा जाए पार्थो प्रभु तो रोज पूजा करते हैं 1 घंटा करके, हो सकता दुर्गा माई काली माई जय चामुंडा वो सब करते थे। अभी कैसा है आपका तुलसी माला दिखाइए प्रभु जी, गले का तुलसी माला कैसे फिट हुआ दिखाइए, तो तुलसी माला दिखाई, गले का, गले का ऐसे ऐसे दिखाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ वाह सुंदर, 2 फेरे या 3 फेरे? 2 फेर। 2 फेर, ठीक है, अच्छा लग रहा है पहन के? हाँ बहुत खुशी हो रहा है। ठीक है, वही वही जो हम एक दिन उदाहरण दिए थे ना, 2 प्रकार के कुत्ता होता है, एक आवारा कुत्ता और एक मालिक का कुत्ता। तो जिन्होंने ये चीज धारण किए हैं तो हम लोग कृष्ण का कुत्ता है, ठीक है, और जिसका ये चीज नहीं है वो लोग आवारा कुत्ता है, जमदूत किसी भी समय आके ले जाएंगे उन लोग। चलो भागो यहाँ से, बहुत दिन इंजॉय किए, चलो नरक में जाके थोड़ा अड़कतला खाओ। अड़कतला मतलब जानते हैं, जो रोड बनता है ना जीटी रोड, उसमें जो काला काला ब्लैक जो मशीन में गरम गरम, उसको बोलते हैं अड़कतला। तो जमदूत वैसे पिलाते हैं अड़कतला, पूरा 1 गिलास मलाई देख, ठीक है, अड़कतला खिलाते हैं। तो जिसके गले में तुलसी की माला है वहां पे जमदूत उसको छूते भी नहीं, जमदूत उनको प्रणाम करते, बांछा कल्पतरुभ्यश पतितानंग पावन गोवैष्णवो, प्रणाम करते। तो सबके गले में लगभग तुलसी माला है, विभा माता जी का तो स्टाइलिश तुलसी माला है, स्टाइलिश, ठीक है। प्राणमोहन प्रभु जी तुलसी माला है, दिखाइए तो आपके गले को, गला दिखाइए तो। क्या दिखाइए, तुलसी माला को दिखाइए, है कि नहीं? अभी तुलसी माला नहीं है प्रभु जी। अभी अगर मृत्यु हो जाए तो क्या हाल होगा, जमदूत तो सीधा के ले जाएंगे लेकिन जमदूत ले नहीं पाएंगे, बताइए तो क्यों? क्योंकि भागवतम क्लास में, हाँ भागवतम क्लास में। तो जो भी है हम लोग अल्टीमेटली तत्व को समझ गए। नया माता जी कौन है, कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन है वो माता जी? वो मेरी बहन थी, वो मेरी मामा की लड़की। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सोचा आपकी सीखा सीखा नहीं। तो चलिए हम लोग चर्चा करें। हाँ माता नंद किशोर प्रभु जी, प्रभु जी हम ऑपरेशन कराने गए थे,
तो ये निकलवा दिया था लोग, डॉक्टर लोग ये जो माला है सो निकलवा दिया था। हम बोले कि नहीं, ये तो मेरे प्रभु जी बोले हैं हमेशा गला में रखने के, लेकिन तब तो लोग बोले कि आप प्रभु जी के नाम लेकर के इसको हटा दीजिए, हटाइए निकालिएगा तभी ऑपरेशन है। तो फिर हम खोल दिए जब ऐसा, अच्छा किए जब ऐसा बोले तब तो खोल दिए। ये तो लक्ष्मी का भी जब ऐसे हुआ था ना पिछले 4-5 महीने पहले, उस समय उसको भी निकाल दिए थे उनका जब ये हुआ। वो करते हैं डॉक्टर लोग, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्त सन के लिए, क्योंकि ये कवच का काम करता है। हम लोग देखते हैं कोई कोई मूवी भी देखे है ना, जब तक वो ताबीज रहेगा सांप उसको काटेंगे नहीं, जानी दुश्मन। देखे है ना विभा माता, देखे ना जैसे वो ताबीज को हटा देंगे सांप आके उसको काट देंगे, उसको मारेंगे, लेकिन जब तक ताबीज रहेगा उनको कोई छू नहीं सकता। उसी प्रकार जो हरि नाम की ये जो क्या बोलते हैं जो कंठी माला है ना, तुलसी की माला, जमदूत आके उसको छू नहीं सकता। लेकिन हमारे संध्या माता जी तो फैशन वाली है, संध्या माता जी तो तुलसी माला नहीं पहने हैं, हीरा मोती है। मैं पहनी हूँ तुलसी माला, किधर है वो तो रुद्राक्ष की माला है। नहीं नहीं रुद्राक्ष नहीं तुलसी है, तब तो ठीक है, कृष्णा है यार, कृष्णा है, ठीक है बहुत सुंदर। अभी माला जाप कर रही प्रभु जी, ठीक है सुंदर, अति सुंदर, तब तो जमदूत आके छू भी नहीं सकते। इस प्रकार हम लोग को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी व्यक्ति मुझे नरक नहीं ले जा सकता, मुझे जाना है एकमात्र भगवत धाम, और भगवत धाम जाने के लिए जो जो चीज जरूर है अपने रेडी रहना है। कभी कभी कैसा होता है, क्या होता है ना, ये जो गाड़ी का चाबी है ना ये सब समय मेरे पॉकेट में रहता है। एक दिन क्या हुआ, बहुत इमरजेंसी था और पॉकेट में नहीं था, वो नीचे गया और जाके दे ओ माय गॉड चाबी लेना भूल गए। इसलिए कुछ कुछ चीज जो है ना मैं सब समय अपने पॉकेट में रखता हूँ, चाबी मास्क कलम खाता सब समय ऑल टाइम। इवन जब मैं सब्जी बनाता हूँ, कोई पूछ सकता प्रभु जी माता जी तब क्या करते, माता जी करते हैं, कभी कभी करता हूं तो उस समय, ठीक है तो उस समय भी मेरा ये सब रेडी रहता है। किसी भी टाइम भागना पड़ेगा, किसी भी टाइम जाना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवत धाम या नरक धाम हम लोग को किसी भी समय बुला सकते, बुलावा आ सकते, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, जय माता दी हो ऊंचे, तो बुलावा किसी भी टाइम आ सकते हैं, ठीक है। तो बुलावा अगर आएगा उससे पहले तो हम लोग को प्रिपरेशन लेके रखना चाहिए, किसी भी टाइम आएंगे तो चलो फटाक से चलो। तो सुत गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को बता रहे हैं इस प्रकार द्वारका की घटना, कि जब प्रजागण इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे कि प्रभु आपकी एक मुस्कान हमारे दुखों को दूर करते हैं, तो ये वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान कृष्ण ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिवादन अभिनंदन स्वीकार किए। अभिनंदन स्वीकार करने का मतलब जानते हैं, अभिनंदन स्वीकार करने का अर्थ होता है किसी को बोल जाए आइए प्रभु जी आइए आइए आपका स्वागत है, ठीक है तो वो भी बोलेंगे हाँ ठीक है ऐसे करके आशीर्वाद देते देते। जैसे हमारे गुरु महाराज लोग जब आते हैं विदेश से तो सभी प्रणाम करते हैं उनको, तो वेलकम करते हैं तो सब आशीर्वाद देते हैं अभिनंदन, जैसे हम टॉक शो में बोलते हैं ना आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम, अभिनंदन ज्ञापित करना चाहिए, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण उन सबको आशीर्वाद दिया अपनी दिव्य दृष्टि से। अभी कोई पूछ सकते हैं प्रभु जी उतने सारे द्वारका के हजार हजार लाखों लाखों लोग है, कृष्ण क्या सबको देखे,
स्तुति तो सभी एक साथ में नहीं बोल रहे ना कि हे प्रभु आपके दुखों को देखकर, मान लीजिए कि एग्जांपल प्रमोद प्रभु, प्राणमोहन प्रभु, जगन्नाथ देव, ममता माता जी, संध्या माता जी एक साथ में बोले हम लोगों को जाना है वहां, एक साथ में अगर बोलेंगे तो कोई समझ में आएगा, अरे एक एक करके बोलो, बोलेंगे ना, अगर एक साथ में बोलेंगे तो क्या होगा, सुनाई नहीं देगा, हाँ सुनाई नहीं देंगे कि एक्चुअली क्या बोलने जा रहे हैं। तो द्वारका में इतने सारे लोग हैं तो क्या कृष्ण को सभी एक साथ में बोले थे या इंडिविजुअल को एक व्यक्ति बोला था? इंडिविजुअल को एक व्यक्ति बोले थे, तो एक व्यक्ति बोला था लेकिन कृष्ण सब पर करुणा की दृष्टि से देखे। सब पर करुणा की दृष्टि से देखे। तो भगवान श्री कृष्ण का जो ये जो आकर्षण है, कृष्ण का प्रति जो आकर्षण है ना हमारा, इतना प्रबल होता है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका बिछोह सह पाना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उनसे उसी तरह शाश्वत रूप से संबंधित है जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से संबंधित होती है। कितना सुंदर एग्जाम्पल से प्रभुपाद दी है। सूर्य प्रकाश है और सूर्य देव है, तो सूर्य प्रकाश और सूर्य देव का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन यही कि सूर्य देव से ही सूर्य प्रकाश निकलता है, जिसके कारण सूर्य प्रकाश को सूर्य देव से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसी प्रकार हम सब जितने सारे जीवात्मा हैं, हम सब जीवात्मा इस संसार में आए हैं और कृष्ण को भूल चुके हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे कि अगर कोई सौभाग्यवश एक बार कृष्ण के आकर्षण, कृष्ण के लीला, कृष्ण की कथा, कृष्ण की नाम, कृष्ण की महिमा के बारे में एक बार आकर्षित हुए तो वो कभी भी उनका विरह सहन नहीं कर सकता। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कुछ अच्छा व्यक्ति कुछ अच्छा व्यक्ति जब हम लोग अपने जीवन में देखते हैं ना, उसके बाद मान लीजिए ट्रेन की बात है, हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे, तो ट्रेन में कभी कुछ ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, अरे इतना सुंदर व्यक्ति था, बेचारे उस स्टेशन में उतर गए, उनका नंबर भी नहीं लिया है, लेकिन जो भी था बहुत सुंदर व्यक्ति था वो। संध्या माता जी के जीवन में ऐसा हुआ था क्या कभी किसी के? बहुत होता है प्रभु जी। हाँ, ये दुनिया ही स्टेशन है, कौन उतर जाएगा कौन रह जाएगा पता नहीं। ओ, नहीं बोल रहे मेरी माँ, आपको फिलोसोफी के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोलना चाह रहा हूँ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं आपके साथ? हाँ बहुत बार हुआ कि कोई बहुत ट्रेन में बात हुई और उतर गया तो लगा ये बहुत अच्छा आदमी था, वो नीचे मतलब उतर गया स्टेशन से, होता है। और हमारे प्रार्थना प्रभु जी को तो दिन में कम से कम 1000 लोगों के साथ होता है ना, होता है प्रभु जी पार्थ प्रभु? हाँ होता है, लेकिन आप लोगों का लोकल ट्रेन में थोड़ा अगला दूसरा चीज होता है, उठ उठ अनेक बस उठ, बहुत देर तक बैठा है सीट में, मैं बुजुर्ग जो आप आदमी है ना, हम छोड़ देता है जगह जहाँ बैठी है। तो इस प्रकार हम लोग कभी कभी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं और फिर कभी उनके साथ मुलाकात ही नहीं होता, तब उनके बारे में हम लोग सोचते हैं। उसी प्रकार कृष्ण से अच्छा कोई है इस संसार में? भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई है? जो दस्यु है ना, दस्यु अर्थात दुष्ट राक्षस, उनको भी कृष्ण खिला रहे हैं। अगर कृष्ण अगर नहीं चाहते तो क्या राक्षस खा पाते कुछ? ये धन संपत्ति किसका है? वृष्टि कहां से आते हैं? इंद्रदेव देते हैं। इंद्रदेव क्या है, देवता या राक्षस? देवता। और इंद्रदेव का मालिक कौन है? कृष्ण। तो ये जो चास बास कृषि खेती ये सब तो अल्टीमेटली किसका हाथ है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का हाथ है और बहुत सारे लोग है जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, फिर भी कृष्ण उसको खिला रहे, यस या नो? खिला रहे,
इससे पता चलता है कि कृष्ण से बढ़कर कोई अच्छा व्यक्ति है नहीं। अगर मान लीजिए अभी प्राणमोहन प्रभु जी के दरवाजे में कोई आके बोले कि ए बाहर निकल, तेरे साथ फाइट करूंगा, तू बहुत बड़ा शेर बन गया ना बोकारो का, इस तरह करके अगर उनके साथ कोई थोड़ा धमकी देके चले गए तो क्या प्राणमोहन प्रभु जी जाके बोलेंगे ए आप तो आए थे ना मेरे घर में, ले सरस्वती पूजा का चांदा 201 रुपया, या प्रभु जी जाके बोलेंगे विनम्रता बस उनके पास नया माता जी क्या बोलेंगे, किधर ध्यान है, मैं क्या बोला अन्ना माता जी, मैं क्या बोला बताइए। प्रभु जी मतलब किसी के बारे में आप कुछ बोलिएगा, जैसे वृष्टि हो रही है तो खेती हो रहा है और किसका हाथ है, तो कृष्णा का हाथ है, इसका मतलब यही होगा। वही चीज तो कृष्णा, अगर हम लोग कृष्ण को अपमान करें फिर भी कृष्णा हम लोग को खिला रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे फिर भी कृष्ण खिला रहे, इससे पता चलता है कि कृष्णा कितने सरल और कितने विनम्र की सबकी रक्षा कर रहे, सबको भोजन दे रहे। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल दिया प्राणमोहन प्रभु जी अभी घर में बैठे हुए हैं और कोई आके उसको धमकी दे रहे प्राण निकला बाहर, अगर ऐसा कोई बोले ए बाली, जैसे सुग्रीव आया था ए बाली निकला बाहर तू क्या शेर की तरह यहाँ पर, फिर बाली के साथ युद्ध किया तो बाली क्या किया, साला तू मुझे धमकी देता है, इस तरह करके सुग्रीव के साथ जाके उसको फाइटिंग हुआ है ना। उसी प्रकार प्राणमोहन प्रभु जी के पास अगर कोई आए और बोले कि निकल आ, अब तो दूसरा दिन क्या प्राणमोहन प्रभु जी बोले कि लीजिए 501 रुपया सरस्वती पूजा का चांदा डोनेशन देंगे, प्राणमोहन प्रभु जी मैं आपके मुख से सुनना चाहता आप देंगे जो आपको इस तरह गाली देके जाएंगे, टेल मी यस और नॉट। नहीं प्रभु जी। इससे पता चलता है कि कृष्णा सबसे अच्छे है, उसको गाली देंगे फिर भी वो हम लोग को खिला रहे पिला रहे। लेकिन आपको अगर कोई एक शब्द बोले तो उसको डोनेशन देना तो दूर, उनको डंडा मारेंगे है ना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड अस, हमारे और कृष्णा में अंतर। ठीक है गीता माता समझे। जी समझ गए। हाँ, इस संसार में कृष्ण से बड़े अच्छे व्यक्ति सुचिंतक कोई भी नहीं है। और हम लोग 13 मिनट क्लास करेंगे, इसके बाद मैं स्नान करने जाऊंगा, मंदिर जाना है, संधारती गाना है, ठीक है। तो 13 मिनट के अंदर क्या क्या पॉइंट बोला जा सकता है, जैसे सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को बिलग नहीं किया जा सकता, बादलों द्वारा उनका बिलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है, और जो ही बादल हट जाते हैं त्यों सूर्य की किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखरने लगती है। इसी प्रकार सारे जीव जो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्मांश है, तो भ्रामक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण भगवान से बिलग है। भ्रामक शक्ति माया की इस आवरण को हटाना है, और ऐसा हो जाने पर जीव भगवान को साक्षात देख सकते हैं और उनके सारे कष्ट तुरंत दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना सुंदर एनालॉजी अर्थात एग्जाम्पल दिया गया है। क्या एग्जाम्पल, कि कभी कभी वर्षा ऋतु के समय बादल जो है ना ढक देता है सूर्य देव को, सूर्य के प्रकाश को, तो हम लोगों को क्या फील होता है कि सूर्य प्रकाश अलग है और सूर्यदेव अलग है, लेकिन जैसे बादल हट जाते हैं तो सूर्य प्रकाश और सूर्य एक साथ कनेक्टेड है। प्रमोद प्रभु जी समझ में आ रहे हैं, एक्चुअली प्रमोद प्रभु जी जप कर रहे हैं, जप करते करते सुन रहे, ऐसा है प्रभु जप कर रहे हैं आप हरिनाम, हरिनाम जप नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है। तो ये जो जीव है ना, हम सब जो है ना, हम लोग अभी भगवान से दूर क्यों हुए हैं, माया रूपी बादल हमारे जीवन में आ चुके हैं। इस माया रूपी बादल कब हटेगा थोड़ा प्रतीक्षा करना है, क्योंकि वर्षा ऋतु तो सब समय नहीं रहेगा। उसी प्रकार भक्ति अगर हम लोग करेंगे ना तो ये माया का बादल हट जाएंगे,
और माया का बादल हटने से हटने के साथ ही साथ हम लोग कृष्ण को साक्षात देख सकते हैं और हमारे सारे कष्ट जो है ना वो दूर हो जाएंगे। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है लेकिन हम जानते नहीं कि इन्हें किस प्रकार हटाया जाए। तो यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है कि हम यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आत्मसात करें या ना करें। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत कलम चला रहे हैं कि हमारे जीवन में जो दुख है दुख का कारण का समाधान यहाँ पर दिया गया है। कैसे? ये जो माया रूपी बादल है इसको हटाने के लिए भक्ति करना है। भक्ति करने से हम लोग कृष्ण को देख सकेंगे और कृष्ण को देखने के साथ साथ ही हम लोग कष्ट से दूर हो जाएंगे। और इसका जीता जागता प्रमाण क्या है? हम लोग क्या अभी तक हम लोग कृष्ण को साक्षात देखे नहीं? जो श्रीमद भागवतम एवं हरि नाम को ही ग्रहण किए जो हमारे दुखों का अंत हो चुका है। समझ में आ रहे भक्तों को? सिर्फ हरि नाम एवं श्रीमद भागवतम के संपर्क में आने के साथ साथ हमारे जीवन में दुख अंत हो चुका है। जिस दिन कृष्ण का दर्शन होगा साक्षात, क्या होगा वो पल, वो क्षण, वो घड़ी, वो समय है ना, तो इससे प्रमाणित होता है। ठीक है, ठंडे के दिन में गांव के लोग जब सूर्य किरण उठता है ना 7 बजे सूर्य, तो खेत में जाके इतना सूर्य का ताप आ रहे, धूप आ रहे, पार्थो पर वैसे करते हैं, धूप आ रहे अभी थोड़ा प्रकाश, गीता माता जी भी करते हैं धूप में और सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं प्रभु जी चेन्नई से केरल से ये क्या कर रही है बाहर, माता जी जप करते और उनको दिखा देते। तो माता जी धूप के कारण बेचारी थोड़ा टहल टहल के जप करते हैं और वो उधर से देखते हैं कि क्या कर रहे, सीसीटीवी लगा हुआ। तो जैसे ही सूर्य किरण हमारे शरीर में गिरता है सुबह सुबह अच्छा लगता है, और पूरा जब 12 बज जाता दिन के एकदम पूरा दोपहर, ओह कितना अच्छा। उसी प्रकार भक्ति रूपी ये जो सूर्य का पहला किरण अर्थात श्रीमद् भागवतम और हरिनाम, ये जो पहले आभास में ही हम लोग को कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, और जैसे ही पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगा अर्थात कृष्ण जिस दिन दर्शन देंगे वो दिन कैसा होगा, आप लोग देखिए हमारे अनामिका माता जी का चेहरा कितना सुंदर हो गया हरिनाम जप कर। 2 दिन जप किया और देखिए माता जी का चेहरा देखिए सभी, ये है हरिनाम का प्रभाव, ये है प्रूफ भक्ति का। सभी देख पा रहे माता जी को, अनामिका माता जी को सभी देख पा रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, थोड़ा दर्शन दीजिए भक्तों को। कितना माला है? कितना माला जप किया आज? 2 माला। 2 माला, बाकी रात में कर लूंगी। जरा सोचिए कल या परसों इनके जपमाला घर में आए, आज इनके चेहरे में ऐसा लग रहा है कि एकदम पूरा कमल का फूल खिला हुआ है। दूसरे दिन कैसे माता जी बैठे रहते हैं, जैसे कोई ऑपरेशन चल रहा है अंदर में, ओपी ओपी ना या ओटी, और बाहर में बैठी है, बाबा है भगवान, ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। जैसे अस्पताल में बैठी हुई है माता, वैसा चेहरा दिखता था। अभी माता जी का रूप देखिए, जैसे खिला हुआ कमल, ये भक्ति का प्रभाव, ये हरि नाम। जब हरि नाम या भागवतम किसी के जीवन में आ जाते हैं तो व्यक्ति रूपवान बन जाते हैं, इतना सुंदर बन जाते। मेरे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदरी कौन है? राधा रानी। क्यों? क्योंकि कृष्ण की भक्ति करते हैं और उससे ज्यादा कोई भक्ति नहीं करते, इसीलिए वो सबसे सुंदर है। तो जो जितना भक्ति करेगा वो उतना सुंदर बनेंगे। ठीक है, इस तथ्य को हम लोग को समझना है। हमारे संध्या माता जी को देख रहे कितना सुंदर है भक्ति, दिन रात 2 बजे उठते हैं और भक्ति करते करते सब समय खिला हुआ चेहरा, हंसता खिलता हुआ चेहरा है ना, ये भक्ति का प्रतिफल है। ठीक है, आप लोग समझ गए, ये है भक्ति का प्रतिफल। जब कोई भक्ति करता है ना
तो एकदम सुंदर बन जाते हो। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी पहले कैसे दिखते थे, प्रभु जी का देख रहे हैं शरीर चेहरा, जैसे ब्रह्म ज्योति निकल रहे हैं प्रभु जी के चेहरे में, हंसी खुशबू क्या होते हैं, जद्यपि बाल पक गया है लेकिन देखिए चेहरा का मुस्कुराहट देखिए, एक मुस्कान से हमारे दुखों को दूर कर देंगे प्रभु जी। तो यह है भक्ति का प्रभाव, जब कोई भक्ति करते हैं तो उनको सब तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, जिसको बोलते तथास्तु। बस मेरे घर में फोटो है, मेरे घर में मतलब मेरे गांव में 2023 ना 2014 से पहले जो मैं घर में था, तो वो फोटो कब का है, 2010 का, 2010 मैं इस्कॉन ज्वाइन किया 2014, तो 2010 में जो मैं फोटो खिंचवाया था मेरे घर में वो बांधा हुआ है बड़ा फ्रेम में, ठीक है। तो जब मैं घर में ही था तो जितने सारे लोग मेरे रूम में आते थे, मिट्टी का घर है मैं बता रहा हूँ क्लियर, जितने सारे लोग आते थे मेरे घर में तो बोलते कि प्रभु जी नहीं, समय प्रभु जी कहाँ, वो तो घर में थे, जगन्नाथ आप फोटो कैसे खींच पाए ऐसे, जैसे मतलब ये मुखमंडल, ये मुस्कान, ये जब हिलने ही वाला है उस समय उन्होंने आपको पिक्चराइज किया, मतलब कैमरा को खींचे, अर्थात ऐसे समय में जिसे मतलब मुस्कान, ये लक्ष्मी कर पाती, इसका अच्छा है स्टाइल है, इसके साथ जितना मेरा फोटो है ना मैं एकदम सीरियस रहता हूं, और ये मुस्कुराहट, तो ये बोलते कि ये मुझे बोलते कि कंजूस कहीं का, थोड़ा सा मुस्कुराहट मुस्कान भी नहीं दे पाते इतना मतलब कंजूस लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि घर में जब था उसमें कितना स्माइलिंग था, अरे बाबा वो फोटो जो भी देखते हैं एकदम अजय देवगन की तरह लगता है, ठीक है। तो जो भी है, अभी तो चैतन्य महाप्रभु की तरह सिर मुंडा दिया है, अभी सन्यासी की तरह दिखेगी। इस संबंध में मुझे चैतन्य महाप्रभु का याद आया, चैतन्य महाप्रभु का बाल इतना सुंदर था, जो लापित जो नाई होते हैं ना, जब वो संन्यास लिया 24 वर्ष की आयु में, तो जब उसको मुंडन कर दिया तो जो बाल मतलब पानी भीगा के मुंडन किया जाता है ना, तो रो रो के वो जो लापित वो नाई रो रो के वो खुर चलाया था, क्यों जानते हैं क्यों रोए थे गीता माता, कि इतना सुंदर अगर ये बाल अगर इतना सुंदर बाल अगर काट दिया जाए तो कैसे दिखेगा, इतना सुंदर है महाप्रभु का चेहरा बाल समेत, और सन्यास के बाद क्या होगा, तो रो रो के क्यों मैं काट रहा हूं। तब से उन्होंने सन्यास ले लिया, कौन वो लापित, कि मैं जीवन में कभी और किसी का बाल मुंडवन नहीं करूंगा, टुडे इज माय लास्ट डे, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया कि महाप्रभु का बाल मुंडन किया। तो इस प्रकार तो हमारे पास ओनली 1 मिनट 32 सेकंड समय है, अभी हम लोग आज कुछ प्रश्न भी नहीं ले सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, अभी हमें जाना है मंदिर, मंदिर में संध्यारती कीर्तन करना है, ठीक है। तो चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं, ठीक है सभी भक्तगण, लेकिन ग्रुप में ताके रहना है, 6 बजे से पहले लिंक आएगा यूट्यूब का, और जो आरती जो होगा आरती आप लोग देखना, मैं गाऊंगा, हाँ सभी ठीक है। वांछा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु भस्य च कृपा सिंधु पतितानां पावने भो वैष्णव भो वश्ये भो नमो नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।